जय दोस्तों, क्या हाल है भाई। इंडियन मार्केट पर अगर आप मारुति स्विफ्ट के नई फेसलिफ्ट का वेट कर रहे हैं तो भाई आप गलत नहीं है, क्योंकि इस कार को लेकर पूरा इंडिया वेट कर रहा है। जब से इस कार को ग्लोबल ऑटो शो पर भाई लॉन्च किया गया है, तब से पूरा इंडिया इस कार को लेकर एक्साइटेड हो चुका है कि भाई इस कार की जो लुक्स है उस पर काफी बड़ा वाला एनहांस देखने को मिलेगा। भले ही भाई डायमेंशन पर प्लेटफॉर्म पर कोई भी तरह का चेंज ना किया गया, लेकिन कंप्लीटली कार पर काफी बड़े वाले चेंज है भाई। इस कार की एक्सटीरियर, इंटीरियर, पावर, परफॉर्मेंस सब कुछ में भाई काफी बड़ा चेंज है। इनफैक्ट सबसे बड़ा चेंज इस कार के माइलेज देखने को मिलेगा, जो कि भाई मारुति सुजुकी ने कहा है। लेकिन भाई यहां पर पे एक्साइटमेंट को थोड़ा कम करने और भाई मारुति स्विफ्ट के नई फेसलिफ्ट की कंप्लीट डिटेल लेकर आया काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही कमाल की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और साथ नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि आपको मारुति स्विफ्ट का नया फेसलिफ्ट कैसा लगता है, क्योंकि भाई ये एक कमेंट आप सब लोगों को जितवा सकता है 200 रुपए। हमारे चैनल पर गिव अवे चलाया जा रहा है, जितने वाले 10 लोगों को 200 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा, जितने के लिए आप सब लोगों को वीडियो को लाइक करने के साथ में नीचे कमेंट करना है वीडियो के बारे में कुछ भी। बस आप सब लोगों को इतना ही करना और आप सब लोगों को जीतने पर मिलने वाले हैं 200 रुपए। तो अब बात करते हैं कार की, जो भाई करेंट जनरेशन के मुकाबले में कंप्लीटली चेंज है। डेफिनेटली ये भाई नई जनरेशन नहीं है, एक नया फेसलिफ्ट है। लेकिन भाई जिस तरीके के चेंजेस आप सब लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो कंप्लीटली नई जनरेशन पर देखने को मिलती है। फ्रंट प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल, डैशबोर्ड, इंटीरियर, इसका की कंप्लीटली इंजन भाई पूरी चेंज है, केवल डायमेंशंस को छोड़कर। रीजन है भाई प्लेटफॉर्म सेम है, और साथ में भाई सबसे बड़ा डाउट इसका की बिल्ड क्वालिटी, जो भी भाई अभी भी बिल्कुल सेम रहने वाली है। रीजन है भाई इसका आपके प्लेटफॉर्म पर कोई भी तरह का चेंज नहीं किया गया है, और भाई जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अभी भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहने वाली है। तो भाई बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मिल जाए तो ये तो भाई आने के बाद मालूम चलेगा, लेकिन जहां तक भाई क्लियरिटी है भाई यहां पर बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी कोई भी तरह का डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। हां, डिफरेंसेस है इसका के लुक्स पर, इसका के कंप्लीटली फीचर पर काफी सारे ऐसे फीचर डाल दिए गए जो भाई सेगमेंट पर काफी सारे कार्स नहीं लेकर आती है। खैर हम उन सभी की बात भी करने वाले और साथ में एक ऐसी डिटेल्स बताने वाले जो आप लोगों के एक्साइटमेंट को थोड़ा कम कर देगा। लेकिन भाई थोड़ा सा एक्साइटमेंट को आप लोगों को बढ़ा दे, उसके बाद उससे एक्साइटमेंट को थोड़ा कम करेंगे। भाई इसका के जो लुक्स है ना वो काफी ज्यादा एनहांस, काफी एग्रेसिव बना दिया गया है। फ्रंट प्रोफाइल पर आप लोगों को भाई जो इसका की ग्रिल है वो थोड़ी सी राउंड शेप पर काफी कमाल का लग रहा है, जो कि काफी बड़ी साइज पर दिया गया है। जो सुजुकी का लोगो है वो आप लोगों को ग्रिल पर नहीं, ग्रिल के ऊपर दे दिया गया है। नीचे की तरफ आप लोगों को भाई फ्रंट का बंप मिलता है काफी स्लिम साइज पर। सामने जो है इसका की कंप्लीटली हेडलाइट का सेटअप वो कंप्लीटली एलईडी है, और एलईडी पर भी भाई एल शेप पर एलईडी डीआरएल मिल जाती है। साथ में नीचे की तरफ आपको फॉग लाइट भी दिया गया है। तो भाई फ्रंट प्रोफाइल काफी ज्यादा कमाल का, काफी एग्रेसिव और काफी कमाल का कर दिया गया, जो डेफिनेटली करंट जनरेशन को मुकाबले में काफी बेस्ट लग रही है। और वैसे इसका के रियर प्रोफाइल को भी कंप्लीटली चेंज करके भाई बिल्कुल फ्रेश रियर प्रोफाइल दिया गया है, जहां पर आपको भाई कमाल की सी शेप पर आने वाली कंप्लीटली एलईडी फिटेड टेललाइट का सेटअप भी मिल जाता है। मतलब भाई हेडलाइट का और टेललाइट का सेटअप को कंप्लीटली एलईडी फिटेड कर दिया गया है। सेंटर पर सुजुकी का लोगो, रियर का कैमरा, मतलब इस कार पर आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल रहा है। तो ये भी चीज आप सब लोगों को जान लेनी है। साथ में भाई नीचे की तरफ आपको ब्लैक कलर का बम्पर, सिल्वर कलर के क्लैडिंग, साथ में मतलब ओवरऑल जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा बेस्ट लग रही है। साथ में जो साइड प्रोफाइल है वहां पर एक छोटा सा कमी पहले थी अब नहीं है। भाई साइड प्रोफाइल पहले के मुकाबले थोड़ा सा सिमिलरिटी दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसका के रियर का डोर हैंडल है ना वो आपको इसके डोर पर मिलती है, ना कि सी पिलर पर, जो अब भाई वापस से पुरानी जगह पर शिफ्ट हो चुकी है, जो डेफिनेटली पहले के मुकाबले और बेस्ट लग रही है। अब अगर आप सब लोगों को भाई सी पिलर वाली पसंद है तो भाई नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन भाई जो डोर हैंडल जो है वो इसका डोर पर होना तो उसके मजा ही कुछ और आता है। बाकी आप लोगों को क्या पसंद है नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो भाई नो डाउट मारुति स्विफ्ट के नए फेसलिफ्ट पर जो इसके एक्सटीरियर पर चेंजेस किए गए वो डेफिनेटली भाई काफी बेस्ट है, और भाई लोगों को काफी पसंद भी आने वाली है। काफी स्पोर्टी, काफी शार्प, काफी ज्यादा स्टाइलिश और भाई काफी अग्रेसिव। कुल मिलाकर भाई एक्सटीरियर काफी कमाल के चेंज के साथ में लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन इसका कि इंटीरियर भी कम नहीं है। वहां भी आपको उतने ही कमाल के अग्रेसिव वाले डिजाइन, काफी कमाल के प्रीमियम लुक्स दिए गए हैं। भाई पुरानी वाली जैसी पिटे से डैशबोर्ड इंटीग्रेटेड टच स्क्रीन नहीं है, बाकी आपको लोगों को फ्लोटिंग वाली बड़ी सी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया, काफी कमाल की डैशबोर्ड वाली लुक्स दिए गए, डबल टोन पर साथ में सिल्वर कलर की एलिमेंट भी दिया गया, और भाई कुल मिलाकर जो डैशबोर्ड है वो काफी प्रीमियम लग रही है। और उतनी ही प्रीमियम इसका कि कंप्लीटली इंटीरियर है, सीट्स वगैरह भी काफी ज्यादा कमाल की प्रीमियम और भाई काफी कंफर्टेबल कर दिया गया है। काफी कमाल की पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दिया गया है। वेंटिलेशन ऑप्शन भाई आपको मिले ना मिले ये भाई कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ आपको भाई सीट पर फील काफी प्रीमियम आने वाली है। साथ में मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो भाई फुल्ली डिजिटल होना चाहिए था बट नहीं है। साथ में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट, आर्म रेस्ट, एडजस्टेबल हेड रेस्ट या फिर वायरलेस चार्जिंग, यूएसबी चार्जिंग, न्यू सेंटर कंसोल, कई सभी फीचर से लोडेड ये कार काफी ज्यादा कमाल के रहने वाली है। तो भाई मारुति स्विफ्ट की फेसलिफ्ट को अगर आप लेने का प्लान बना रहे हैं तो भाई डेफिनेटली ये काफी बेस्ट ऑप्शन होगा आप सब लोगों के लिए इन दिस सेगमेंट। लेकिन दोस्तों एक चीज पर आप लोगों को भाई अपग्रेड नहीं डिग्रेड देखने को मिलती है, वो इसका की परफॉर्मेंस और इसका के इंजन। भाई डेफिनेटली आप सब लोगों को के
ए सीरीज की जगह पर भाई जेड सीरीज वाला बिल्कुल नया इंजन दिया गया। लेकिन भाई यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी प्रॉब्लम है भाई। पहले जहाँ आप लोगों को 1.2 लीटर की नेचुरल पेट्रोल पर लगभग 89 bhp की पावर मिलती थी ना, अब आपको 82 bhp की पावर मिलती है, साथ में 108 nm का टॉर्क, तो भाई 8 PS की और 5 nm टॉर्क का डिग्रेड देखने को मिलता है। लेकिन भाई इसके पीछे का रीजन है भाई, आप लोगों को केवल इंजन नहीं बल्कि 12 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दिया गया भाई। कंप्लीटली हाइब्रिड सिस्टम यहाँ पर आपको फिर भी नहीं देखने को मिलता है भाई, इंजन को चेंज कर दिया गया हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कारण। लेकिन भाई हाइब्रिड है का भाई, यहाँ पर आप लोगों को 12 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलती है, जिसके अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, और इसके अंदर भाई आपको 24.5 km तक का माइलेज मिल जाता है इसके हाइब्रिड वाले टेक्नोलॉजी के साथ में, और नॉर्मल पर आपको 23.4 km का माइलेज मिल जाता है इसके नॉर्मल पर। तो गाइस अगर इसको कंपेयर करते हैं करेंट जनरेशन वाले माइलेज से, तो वहां पर दोस्तों आप लोगों को मिलती है 22.38 km तक का माइलेज मैनुअल पर और 22.56 km तक का माइलेज ऑटोमेटिक पर। तो भाई केवल 2 km का माइलेज का डिफरेंस आया है, और यहाँ पर दोस्तों इंजन को चेंज कर दिया गया है। जहाँ पहले आपको 1.2 लीटर की नेचुरल पेट्रोल इंजन भाई आपको 4 सिलेंडर वाली मिलती थी, अब आपको ये जेड सीरीज वाली 1.2 लीटर की नेचुरल पेट्रोल इंजन आपको भाई 3 सिलेंडर के साथ में मिलती है। पहले आपको CNG ऑप्शन मिलता था, लेकिन इस पर आपको CNG ऑप्शन नहीं मिलेगा इन फ्यूचर अगर डाल दिया जाए तो। कह नहीं सकते भाई जो पावर थी उस पर भी डिग्रेड देने को मिलती है, जो भाई सिलेंडर थी उस पर भी डिग्रेड मिलती है भाई, जो ट्रांसमिशन वाले ऑप्शन थे CNG वाला ऑप्शन था उस पर भी डिग्रेड देने को मिलता है। तो भाई कुल मिलाकर बात है कि भाई मारुति स्विफ्ट का फेसलिफ्ट भाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से फीचर के मामले में लुक्स के मामले में काफी बेस्ट हो चुकी है, लेकिन भाई जो इसका की ट्रांसमिशन है जो इसका की परफॉर्मेंस है इंजन वगैरह ना उस पर भाई काफी डिग्रेड देने को मिलती है। लेकिन इसका की एक्सटीरियर इंटीरियर पर जितने तरह के चेंजेस आप लोगों को देखने को मिले ना, उतने ही कमा के चेंजेस इसका के पाइप सेफ्टी पर भी किए गए। जब आपको भाई 6 एयरबैग, ABS, ABD, रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा या फिर दोस्तों 360 कैमरा, संग भाई हेडसेट डिस्प्ले वगैरह हो जाए और छोटे छोटे फीचर जो इसका को काफी ज्यादा कन्वीनियंस से भरपूर और फीचर से लोडेड बना देती है, सेफ्टी फीचर भी आप लोगों को भर भर के दे दिया गया है। मतलब गाइस सेफ्टी के मामले में भी ये कार काफी बेस्ट हो चुकी है। जहां तक बात रही बिल्ड क्वालिटी की, जहां तक बात रही इसका के डायमेंशंस की या फिर दोस्तों किसी और चीज की, तो वहां पर आपको कोई भी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलता। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात भाई, क्या आप इस कार को लेना पसंद करेंगे इसके डिग्रेड वाले इंजन के साथ में, इसके भाई थोड़े से 2 km वाले माइलेज के अपग्रेड के साथ में। मतलब गाइस अपग्रेड और डिग्रेड देखते देखते भाई इस कार का कंप्लीट डिटेलिंग हो चुका है। तो भाई आपके हिसाब से आपकी राय क्या है, क्या इस कार के इनहेंस किए जाने वाले बिल्कुल नए लुक्स के साथ में, इसका के नए इंटीरियर के साथ में, नए वाले काफी सारे फीचर के साथ में, इस कार को आप लेना पसंद करेंगे या फिर इस इंजन के डिग्रेड को देखते हुए इस कार को आप स्किप कर दोगे, या फिर दोस्तों आपको क्या लगता है ये कार फिर से टॉप सेलिंग कार की लिस्ट पर आ सकती है, मतलब इंडिया की फिर से इसकी बेस्ट सेलिंग कार बन सकती है। भाई क्या लगता है नीचे कमेंट में अपनी राय, अपनी सजेशन और आपको जो भी लगता हो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपकी ये एक ओपिनियन आपको जल सकती है 200 रुपए। हमारे चैनल पर गिवअवे चलाया जा रहा है, जितने वाले 10 लोगों को दिया जाएगा 200 रुपए का गिवअवे। पार्टिसिपेट करने के लिए बस आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है और साथ में नीचे कमेंट करना है वीडियो का कोई भी पार्ट, ताकि आप बिना कुछ किए घर बैठे जीत सको 200 रुपए का गिवअवे। और जितने वाले 10 लोगों को दिया जाएगा तो भाई नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।